आंगनवाड़ी कर्मचारी में सहायिका एसोसिएशन की सदस्य संगीता आर्या द्वारा शुक्रवार को गीता पांडे का पुतला फूके जाने के विरोध में शनिवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रियंका सिंह की अध्यक्षता में आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गीता पांडे की अध्यक्षता में विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 1 अक्टूबर से धरना दिया जाएगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रियंका सिंह ने कहा कि गीता पांडे का पुतला फूके जाने की घटना का हम घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से बिना अनुमति के इस कार्यक्रम को किया गया है, जो कि अपराध है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर भारी संख्या में सहायिकाएं और कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रियंका सिंह और गीता पांडे ने कहा, मुर्दा हो बर्बाद हो मेरी ऐसी कामना नहीं है। मैं चाहूंगी कि मेरा दुश्मन भी अगर है तो वो जिंदा हो आबाद हो। दूसरी बात, अगर मेरे मुर्दा और बर्बाद होने से मेरी 4.25 लाख बहनों का कहीं कोई भला होता है तो मैं उत्तर प्रदेश के जिस चौराहे पे कहो, जिस सड़क पे कहो, जहां तुम खड़ा करके मुझे गोली मारो, मुझे मुर्दा और बर्बाद कर दो, मैं परवाह नहीं करूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरे 3 बच्चे बिल भी लाएंगे। आप लोगों ने पुतला फूकी जो, वो मैं जानती हूँ किसी भी शिष्टाचार के हिसाब से वो महा गलत है, ऐसा नहीं कर, लेकिन कभी समय आया कि प्रख्यात विद्वान हो गए ना, महात्मा गांधी का कंगन काट करके उन्होंने सिगरेट पीने का कर्जा चुकाया था, तो क्या आज ना करो ना खुलेआम, अब डिबेट करो ना, अब बैठक लगाओ ना, उसमें बहस करो मैं आमने सामने। प्रियंका सिंह मंडल अध्यक्ष, सर्वप्रथम हम 1, 2, 3 तारीख को धरना करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर के। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि कल जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे का पुतला फूंका गया है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के वो काम हुआ है, जो निंदनीय है, ऐसा हम नहीं स्वीकारते। शिष्टाचार का ये काम नहीं, बहुत बड़ा शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ। मामला ये है कि प्रदेश कमेटी से गीतांजलि मौर्य का 25 तारीख को कुछ संगठन विरोधी कार्यों के करने के उसमें उसके प्रकरण में उनको निष्कासित किया गया, प्रदेश कमेटी के फैसले के अनुसार निष्कासित किया गया, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष गीता पांडे को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो उसका मतलब ये प्रतिक्रिया दी गई कि गीता पांडे का पुतला फूंका गया। किस तरह का बैठक आपकी तरफ से हुआ? हमको आज आकस्मिक बैठक ये सर बुलाई गई है, और गोरखपुर जिले की समस्त परियोजनाओं की ब्लॉक पदाधिकारियों की बैठक ली गई है, जो ये कल बिना प्रशासन की अनुमति के, कोई लिखित कोई आदेश नहीं, और इन्होंने मेरा ही पुतला फूका है, और जो मतलब निंदनीय है, और ये प्रशासन की अनुमति नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है उसको वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारा धरना प्रदर्शन 1 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक, जो हमारा अल्टीमेटम प्रांतीय आह्वान पर पड़ चुका है, और हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष थी गीतांजलि मौर्य जी, उन्होंने मेरे धरने का खंडन किया, इसे प्रदेश हमारा प्रस्ताव पारित करके उनको निष्कासित 25 सितंबर को निष्कासित कर दिया गया। तो उनको हमारा धरने का खंडन करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर को हमारा प्रदर्शन रहेगा। जिलाधिकारी के माध्यम से हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचेगा, और 2 तारीख को हम लोग गांधी जयंती मनाएंगे, 3 तारीख को हम लोग स्वच्छता रैली लेकर के यहाँ से शास्त्री चौक तक जाएंगे। शांति प्रदर्शन मेरा 3 दिन का है।